तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकल। स्वागत है आपका एक रुचि डे फाइव की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या सीन हुआ पड़ा है पूरे लॉस सैंटोस में। कभी अपनी ज़ॉम्बी से फाइट हो रही है, कभी अपनी मिलिट्री वाले से फाइट हो रही है। एक तो जो पुलिस वाले हैं ना गाइस यार, वही पीछे ही नहीं हटने पे आ रहे हैं, ऊपर से ना अपने को मारने पे तुले हुए हैं। एक तो पूरी सिटी का हाल नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो यार, पुलिस वालों ने लास्ट वाली वीडियो में क्या हाल कर दिया था अपनी गाड़ी का, और यहाँ पर अभी अपनी गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और यहां पर जो फ्रैंकलिन और अपना फ्रेंड है, ये दोनों लगे हुए हैं इसको ठीक करने में। और एक तो जंगल में हम लोग फंस चुके हैं, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहां पर क्या सीन होने वाला है। एक तो अपने पास शॉटगन है, बाकी एक आधी गन अपने पास है तो है। और ज़ॉम्बीज भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देख रहे हो बहुत ही दूर दूर ज़ॉम्बीज हैं। वो तो शुक्र करो गाइस यार, ज़ॉम्बीज लाइट के थोड़ा सा करीब नहीं आते हैं और लाइट के दूर ही रहते हैं। और क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी ज़ॉम्बीज नहीं दिखते लॉस सैंटोस में, एक तो रात में ना इन्होंने नाक में दम करके रख रखा है। देख रहा हूँ मैं अपने बिनोकुलर से देख रहा हूँ, जो जो ज़ॉम्बीज हैं वो भी अपने को शो कर रहे हैं और जो भी ह्यूमन है वो भी अपने को शो कर रहे हैं। तो चलो यार, अब जल्दी से ना इनकी एक बार हम लोग गेम बजाते हैं। तो चल निकल यहाँ से। और दूसरा कहाँ पर है? यहाँ पर से अपने को आवाज वगैरह तो आ रही है। एक तो ये वाला जो ज़ॉम्बी का वायरस है ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। इसमें ज़ॉम्बीज गन्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, और बाकी जो एनिमल है मतलब डॉग वगैरह वो भी इन्फेक्टेड है ज़ॉम्बीज के वायरस से। तो चलो गाइस, इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर चाहो भी गाइस यार जरूर से सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट वाली वीडियो में आपने कमेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था यार, मजा आ गया था कंप्लीट देखकर मुझे कमेंट्स में। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये पूछा था कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो कंप्लीट जरूर से लिख देना। तो गाइस यार शुक्रिया पूरा देखने की और इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। वैसे अच्छा तो कुछ भी नहीं था उसमें, कंप्लीट से थोड़ा मोटिवेशन हो गया मैं क्योंकि आपने इतने ज्यादा कमेंट्स करे थे। तो यार इस वीडियो का कमेंट एम रखते हैं ओपी ओपी का, तो ओपी लिख देना, देखते हैं कितनी लिख सकते हो। तो चलो यार, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ना, अपनी गाड़ी समय थोड़ी सी सही हो चुकी है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को अपनी गाड़ी में बैठकर निकलना पड़ेगा सीधा ह्यूमन लैब की तरफ। क्योंकि फ्रैंकलिन यार मुझे नहीं लग रहा कि कोई मैकेनिक भी हो सकता है। देख रहे हो फ्रैंकलिन बिल्कुल ना, इसने अपनी गाड़ी सही कर दिया। अब जल्दी से अपने को यहां से निकलना पड़ेगा ह्यूमन लैब की तरफ, क्योंकि ना वहां पर ना अपने को बस किसी से बात हो जाए ना, किसी साइंटिस्ट से हो जाए या किसी मिलिट्री के कर्नल से हो जाए, बस एक बार अपने को यह पता चल जाए कि अपनी फैमिली कहां पर है और ये जो लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बीज का असर फैला हुआ है ये किसका काम है सारा, ये किसने फैला रखा है। तो चलो यार, अपने को ना अपना ट्रक भगाना पड़ेगा। एक तो इस सुनसान जंगल में अंधेरी रातों में फ्रैंकलिन अपने फ्रेंड का हाथों में हाथ, अरे भाई मैं तो शायरी मार रहा हूं। तो चलो यार, अपने को जल्दी से ना आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ट्रक है ना, पीछे की तरफ तो कोई नहीं बैठा भाई साहब, यार फ्रैंकलिन को बैठ जाना चाहिए था पीछे। तो चलो यार, अब जल्दी से इसको भगाते हैं। एक तो ज़ॉम्बीज वगैरह भी अपने बहुत ही क्लोज है, और भाई साहब क्या सीन है यार, एक तो इतने ज्यादा पेड़ है ना, वैसे जंगल के बीच में तो पेड़ तो होंगे यार, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। तो चलो यार, अपने को ना आगे से निकलना चाहिए। और यहाँ पर ज़ॉम्बी है, रुक बेटा तुझे ना मैं जल्दी से मार देता हूँ। एक तो ना गाइस, जहाँ पर ज़ॉम्बी दिखे मैं सोचता ना कि उसी समय उसको खत्म कर दूँ, क्योंकि ना ये लोग किसी और को इन्फेक्टेड कर देते हैं फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो यही सही रहेगा यार, जो अपने को ज़ॉम्बी दिखे हम उसे उसी टाइम खत्म कर दें और बिल्कुल उसके मत्थे में पट से हेडशॉट दे दें और वो किसी को भी इन्फेक्टेड ना आगे कर पाए। इससे शायद कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी मार के मैं क्या कर लूंगा, पर यार कुछ पढ़ भी सकता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी घटेगा, 100 में से अगर हम लोग एक ज़ॉम्बी मारेंगे तो 99 बचेंगे। देख रहे हो भाई, तुम्हारा भाई भी इंटेलिजेंट हो रहा है, कितने बड़े वाले एग्जांपल दे रहा है। तो चलो यार, यहाँ पर अपनी गाड़ी में से ना स्मोक निकल रहा है। देख रहे हो पूरी गाड़ी समय खराब है, बस इन्होंने ना टेम्परेरी इसको ना सही कर रखा है। तो जल्दी से ना हम लोग इसको भगाते हैं। और भाई साहब क्या सीन है यार, अंधेरी रात हो रही है, पूरा अपना ट्रक खराब है, और यार फ्रैंकलिन भी कह रहा है कुछ चलते चल माइकल, कुछ की चटनी बनाकर यहाँ पर रख देंगे, इनको इतना कुचलेंगे ना अब ये ना पूरे मर जाएंगे। तो चलो यार, अपने इसको जल्दी से अपना ट्रक भगाना पड़ेगा। वो भाई साहब क्या ही सीन है यार, क्या ही पचपच की आवाज आ रही है, पूरा यार चटनी वाला सीन हो चुका है। तो चलो यार, जैसे आप यहाँ पर देख रहे ना, हम लोग आ चुके हैं सीधा ह्यूमन लैब के क्लोज, और यहाँ पर अपने को सुबह हो चुकी है आते आते। ना गाइस, रात में इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज थे ना सड़कों के ऊपर और इतनी ज्यादा उन्होंने तबाही मचा रखी थी, तो अपने को ना कोई सेफ सी जगह अपने ट्रक को पार्क कराकर हम लोग ट्रक के बीच में सो गए हैं। और उसी समय सोए थे कौन सा थे यार, आधे हम लोग ना उठे हुए थे, कभी फ्रैंकलिन की ड्यूटी थी उठने की, कभी अपने टॉम फ्रेंड की थी। तो चलो यार, फाइनली हम अब पहुंच तो चुके हैं सीधा ह्यूमन लैब पर, और आगे की तरफ ना फ्रैंकलिन कह रहा सीधा अपने को नहीं जाना चाहिए, पहले ना अपने को यहां से देख लेना चाहिए। तो चलो यार, अपने को ना जल्दी से अपनी स्नाइपर निकाल कर, और जैसे आप देख रहे होगे ना सामने की तरफ सिक्योरिटी खड़ी, और सामने 7-8 टैंक तो खड़े हुए थे, और ट्रक भी थे टैंक भी थे बीच में मिलिट्री वालों के। तो चलो यार, मेरे पास एक आइडिया है,
फ्रैंकलिन कह रहा है कि अपने को ना अंदर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएंगे हम लोग ह्यूमन लैब के, तब तक अपने को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला कि ये जो ज़ॉम्बीज हैं ये कहां से आए हैं। तो जो अपना फ्रेंड कह रहा है एक काम करो, वैसे इस ट्रक में इतनी जान तो नहीं है, वैसे ये खराब है, तो एक काम करते हैं सीधा अपने ट्रक को ना पहाड़ से छलांग मरवा कर सीधा ह्यूमन लैब के अंदर की तरफ डाल देते हैं। तो चलो गाइस यार ये भी ट्राई हम लोग करके देख लेते हैं, हमने सुपर कार्स उड़ाई हैं, सुपर बाइक्स उड़ाई हैं, तो चलकर इस ट्रक को भी सुपर से डुपर बना देते हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना इसको हम लोग भगा लेते हैं और देखा जाएगा जो भी होगा। और भाई साहब क्या सीन हो चुका है, ओ भाई जल्दी से उतरना पड़ेगा अपने को ट्रक से। फ्रैंकलिन तू भी जंप मार दे, और भाई देख रो फ्रैंकलिन तो नीचे की तरफ, इसके साथ तो स्कैम हो गया बेचारे के साथ, और ट्रक पूरा सही सलामत यहाँ पर खड़ा हो गया और फ्रैंकलिन उड़ के नीचे आ गया। तो बेटा लगी तो नहीं है ना, तो चलो यार अब जल्दी से ना मैं इन दोनों को कहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर रहो और थोड़ा सा ना हम लोग आगे की तरफ देख कर आते हैं कि क्या सीन है। तो चलो गाइस यार मैंने इन दोनों को बोल दिया कि तुम दोनों ना यहाँ पर रहना, और ये क्या कर रहा है यार। तो चलो यार हाँ भाई दोनों यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो अपने को ना जल्दी से आगे की तरफ चलना चेक कराओ चोकर, अगर किसी बंदे ने देख लिया। वैसे आवाज़ आई होगी मुझे पक्का नहीं पता, वैसे तो नहीं आई होगी वैसे, क्योंकि ना हम लोग ऐसी जगह पर गिरे हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो चलो यार सामने की तरफ तो मुझे कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बस अपने को ना एक सीढ़ियाँ दिख रही हैं और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो जितना अपने को हाई रिच मिलेगा ना उतना अपने को एडवांटेज है। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। देख रहे हो यार एक तो यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होगा मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये है ह्यूमन लैब, जिस तरीके की बाहर सिक्योरिटी थी ना तो उसके हिसाब से ज़ॉम्बीज वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो देख रहे हो माइकल क्या ही मुंह तोड़वा कर नीचे की तरफ लेटा है और ये सोच रहा है कि ये बहुत ही बड़े वाला स्टंट है। तो चलो यार सही है भाई साहब, यहाँ पर अभी तक तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। और यार क्या सीन है यार मिलिट्री वाले भी नहीं देख रहे हैं, अभी तो गेट पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो चलो यार जैसे आप देख रहे ना, ओ भाई साहब नीचे की तरफ तो एक यार ये कौन है, ये तो देखा देखा बनता लग रहा है। तो जल्दी से ना स्नाइपर से जूम करके हम लोग देखते हैं और किसी को शक ना हो जाए, नहीं तो ये लोग अपनी चटनी बनाकर रख देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये तो मिलिट्री का कर्नल है, मतलब न्यू प्रेसिडेंट है लॉस सैंटोस का, और यहां पर खड़ा हुआ है, तो अपने को तो इसी की तो तलाश थी। तो जल्दी से ना इसके पास चलते हैं, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा यार सामने की तरफ सिक्योरिटी खड़ी और नीचे इसकी सिक्योरिटी है, ये अपने को भून के अपनी चटनी बना देंगे, तो अपने को ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इससे बात कर पाए, क्योंकि अगर मैं इससे बात करूंगा ना तो मिनी मद्रासों के बारे में इसको पता हो सकता है शायद से, और जो ज़ॉम्बीज आए हुए हैं लॉस सैंटोस में इतना तहलका मचा रखा है, इनके बारे में भी शायद से इसको पता हो सकता है। और एक सेकंड गाइस यार ये क्या दौर है भाई, पक्का गाइस यार ये कुछ गड़बड़ कर आया है, या इसका पेट खराब होगा यहां पर आके ना हल्का होकर कुछ धो रहा है, समझ रहे हो गाइस। अब जल्दी से ना इसके पास चलते हैं हम लोग और इसको पूरा पानी के बीच में धो देते हैं पकड़ के। और बस यार मेरे पास जो आइडिया ना, जल्दी से अब मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दी से ना अपने को पूरा ना साइलेंट होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको शक ना हो जाए, एक तो बेचारे का पेट खराब है, अगर गलती से हमने इसके सामने अचानक से इसको डरा दिया ना ये तो यहाँ पर ना पूरा तहलका मचा कर रख देगा, गंदी सी चीज कर देगा पानी के बीच में। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं, और बेटा यहाँ पर ना जो अपने पास सॉर्ड है ना जो ज़ॉम्बी से ली थी इसके वही हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ओ भाई देख रहे हो माइकल ने पिछवाड़े पर लात मार दी, और मार दे माइकल अब तो देखा जाएगा निकल यहां से। तो चलो यार एक आधा बैट इसके और बजाना पड़ेगा, अब एक और बैट हम इसके बजा देते हैं। तो पिछवाड़ा ही लाल कर दिया इसका मार मार कर, एक तो वहीं से बेचारा हल्का हो रहा था, अब पूरा इसको लाल कर दिया, देख रहे हो पानी में तो अलग ही तैरता जा रहा था। जल्दी से इसके ना हम लोग कपड़े वगैरह इसके साथ चेंज कर लेते हैं। तो चलो यार जैसे आप देख रहे ना इसको तुम्हारे भाई ने पूरा नंगा कर दिया पानी के बीच में, अब इसके कपड़े हमने इस समय डाल लिए हैं। वैसे ये जो मिलिट्री वाले हैं ना बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, देख रहे हो कपड़े करके इतने फूल जाते हैं। अब जल्दी से ना फ्रैंकलिन और टॉम के पास चलते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या हुआ। एक तो ना अपने पास इतने ज़्यादा अच्छी आउटफिट आ गए मिलिट्री वालों की, और बेचारे सामने की तरफ बैठे हैं। तो हे गाइज यार हम तो, वो भाई साहब ये कैसे ही ना यार, मैं माइकल हूँ यार मुझे मत ठोक देना यहाँ पर। तो चलो यार मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से समझाया कि मैं माइकल हूँ, ये तो अभी अपने फायरिंग वगैरह चढ़ने लगे थे और ये कह रहे थे कि तू मिलिट्री का कहां से बंदा आ गया, और इन्होंने अपने ऊपर एम कर लिया, वो तो शुक्र करो गाइस यार मैंने सही टाइम पर बोल दिया, नहीं तो अभी ये लोग अपनी चटनी बना चुके होते। तो चलो यार इस समय ना अब हमें कोई भी डर नहीं है, अगर हम लोग हाथ में एक पिस्टल रख के आगे की तरफ जाएंगे ना तो शायद किसी को भी शक नहीं होगा, ये लोग सोचेंगे कि ये हमारी टीम का बंदा है। और सामने की तरफ ना गाइस मैं तो यही सोच रहा हूं कि इनको शक ना हो, नहीं तो यार यहां पर बहुत ही ज्यादा बेकार काम हो जाएगा आपको पता ही है। और नीचे की तरफ एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा
खड़ा हुआ है और उसके साथ सिक्योरिटी है यार, बस अपनी एक बार प्रेसिडेंट से इस समय बात हो जाए ना। तो हाँ गाइज यार, वीडियो को पूरा देखा करो गाइज यार, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी मर्जी का कुछ भी कमेंट कर दिया करो नीचे। अपने को ना 1,00,000 बंदे देखते हैं, 80,000 देखते हैं, तो बस कमेंट्स यार 600 आते हैं तो यार थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। तो 1,200-1,300 कमेंट करा करो ना यार, इससे भी ज्यादा करा करो। अपनी मर्जी से कुछ भी आप पूछ सकते हो अपने भाई से, यार दुश्मन नहीं हूँ भाई, तुम्हारा भाई हूँ, कुछ भी पूछो दिल खोल के। तो चलो यार अब जल्दी से ना यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहोगे ना बंदे वगैरह खड़े हुए हैं, तो जल्दी से ना अपने को पहले ह्यूमेन लैब में चलना पड़ेगा। और एक सेकंड गाइस यार, ये जो हेलीकॉप्टर है ना देख रहे हो पूरा वेपन से लोडेड है। और एक तो एक चीज देख रहे होगे ना आप, जो मिलिट्री के कपड़े हैं बिल्कुल यार कैसे चितकबरे से हैं, और वैसे प्लेन का कलर भी चितकबरा सा है। तो चलो यार सही लग रहा है, अल्टीमेट प्लेन लग रहा है इनका। तो अब जल्दी से अपने को ना अंदर की तरफ चलना चाहिए, और जहाँ तक ना ह्यूमन लैब की एंट्री है वो 4th गेट पर है, पता नहीं 5th गेट पर है, हम इस समय 5th गेट पर हैं, तो यहाँ पर कोई डोर तो होना ही चाहिए था ना। तो हाँ यार स्टेयर्स आ चुके हैं। वैसे मैं पहली बार ह्यूमन लैब में नहीं जा रहा, 4 से 5 बार मैं ह्यूमन लैब में एंटर हो चुका हूँ। तो चलो यार जल्दी से अपने को ना, हाँ गाइस यार सामने की तरफ गेट दिख चुका है, अब चलते हैं सीधा भाग कर आगे की तरफ। और हाँ यार आज वीडियो छोटी है मुझे पता है, क्योंकि यार तुम्हारे भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं गाइस यार क्यों हो रही है, तो वो तो ठीक हो जाऊंगा मैं। तो चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं, और अपने को यहाँ से लेफ्ट लेना वो वाला गेट नहीं था गाइस यार, ये वाला गेट है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलो यार जैसे आप देख रहे हो ना हम लोग अंदर की तरफ एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर तो स्वैट टीम है। एक तो ना मैं ही मिलिट्री के कपड़े में हूँ, और पूरी स्वैट टीम है, इनको तो शक हो रहा होगा कि ये बंदा कौन है यार। वैसे इनके साथ भी एक ही बंदा था, बाकी जो मिलिट्री वाले थे वो बाहर की तरफ खड़े हैं। और यहाँ पर साइंटिस्ट है यार, जैसे आप देख रहे हो किसी चीज़ पर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और एक बार इनमें से देखते हैं कि डॉक्टर मैग्नस तो कहीं नहीं है ना, तो वैसे वो तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा, देख रहे हो यहाँ पर तो कहीं भी नहीं है वो। और एक सेकंड, ये साइंटिस्ट तो डॉक्टर मैग्नस नहीं भाई, ये वो भी नहीं है। तो चलो यार थोड़ा सा ना आगे की तरफ चलते हैं कि ये लोग रिसर्च किस चीज़ पर कर रहे हैं यार। तो चलो यार आगे की तरफ हम लोग आ रहे हैं, और सामने की तरफ तो और भी ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं और स्वैट टीम वाले खड़े हुए हैं। और यार अपने को यहाँ से लेफ्ट वाले गेट में चलना चाहिए, और भीड़ तो बहुत ही यार, ह्यूमन लैब में इतनी सिक्योरिटी मैंने आज तक तो कभी भी नहीं देखी है। बाहर की तरफ प्रेसिडेंट भी खड़ा हुआ है, और सबसे बाहर मेन गेट पर ह्यूमन लैब के बाहर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी है यार। अपने को अब इधर से सीधा जाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं। और हाँ गाइस यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अपने भाई का, जल्दी से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ पर ना हम लोग डेली बातें करते हैं। और ये क्या सीन है यार, ज़ॉम्बीज वगैरह सामने की तरफ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो अगर गलती से ये गेट खुला तो पक्का चटनी बन जाएगी, मैं तो अभी से कह रहा हूँ, इनको मार देना चाहिए। तो देख रहा सामने की तरफ में कितने ज़ॉम्बी हैं, ये 3-4 ज़ॉम्बी तो हैं उस गेट के अंदर। और मुझे लग रहा ना ये लोग इन्हीं के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, मुझे तो कि ये लोग इधर से ज़ॉम्बीज बना रहे हैं या इनको ठीक करने की कोई दवाई बना रहे हैं, इन दोनों में से तो एक चीज तो हो सकती है, बस यार यही अपने को कंफर्म करनी है। और यहां पर भी दो साइंटिस्ट बैठे हुए, एक को तो बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुंह पर हाथ रख के बैठा हुआ है, जैसे इसके एग्जाम होते हैं कल से और आज इसने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, सिचुएशन बेचारे के बिल्कुल ऐसी लग रही है। और मुझे तो लग रहा है ना गाइस यार ये जो प्रेसिडेंट है ना और या मिनी मद्रासो, ये सब लोग ना मिलकर लॉस सैंटोस का वही कर रहे हैं। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को ना बाहर की तरफ चलना पड़ेगा, और यहां पर ना भाई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है यार। तो चलो यार अब जल्दी से हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं, और जहां से आए थे ना वहीं से चलते हैं आगे की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपने को भाग कर चलना पड़ेगा बाहर की तरफ, तो माइकल अब भाग भी ले यार। तो चलो यार जैसे कि आप देख ही रहोगे ना पूरे ह्यूमन लैब के अंदर इन्होंने ज़ॉम्बीज के ऊपर कुछ काम तो कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये साइंटिस्ट और मिलिट्री मिलकर, पूरा प्रेसिडेंट मिलकर ज़ॉम्बीज इन्होंने जानबूझ के छोड़ रखे हैं पूरी सिटी में। चलो यार अब तो ये बात ना अपने को कंफर्म करनी पड़ेगी सीधा प्रेसिडेंट से, जो मिलिट्री का कर्नल था। ये नहीं पता कि इस समय जो लेटेस्ट मिलिट्री का कर्नल है वो कौन है, पर प्रेसिडेंट तो पता है यार, अपने अंडर पहले काम करता था और अपना अच्छा खासा फ्रेंड भी था, तो इस समय मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मिनी मद्रासों की सपोर्ट है, तो यार वो बंदा कुछ भी कर सकता है यार। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को चलना पड़ेगा सीधा बाहर की तरफ। तो जैसे आप देख ही रहे होगे ना यहाँ पर ना हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं, बस यार जो मेरे दिमाग में आइडिया है ना, मैं सोच रहा हूँ कि सीधा चलते हैं सीधा इस छत के ऊपर, जब उनका हेलीकॉप्टर, ओ भाई आवाज तो आ रही है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर से स्टार्ट हो चुका है तो आपको भी आ रही होगी। और जैसे कि मैं कह रहा था जब वो प्रेसिडेंट रेडी से हो रहा था कहीं जाने के लिए, और जब वो जाना शुरू करेगा उसी समय ना मैं जंप कर दूंगा उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर। यार एक चीज होगा, या जिंदा बचेंगे या सीधा मरेंगे, तो कुछ भी होगा तो देखा जाएगा, रिस्क के बिना क्या ही जिंदगी है। तो एक बार ना अपनी स्नाइपर से मैं इसमें जूम करके देख लेता हूँ, उस सामने की तरफ मुझे कोई भी सिक्योरिटी तो नजर नहीं आ रही है, पर यार जो सिक्योरिटी नीचे की तरफ खड़ी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को ना आगे की तरफ चलना चाहिए, और यार
यार यहाँ पर मुझे लग रहा था कि बंदे होंगे, तो यहाँ पर तो कुछ भी बंदे नहीं है, तो अपने को ना तैयारी करनी पड़ेगी सीधा जंप करने के लिए। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को यहाँ से तो हम लोग जंप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्या केज वगैरह लगे पड़े हैं, तो अपने को ना सीधा नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। और ये देख रहे हो यार इसके ऊपर करते हैं जंप, और भाई क्या ही बचा है यार, देख रास्ता माइकल पूरी चौड़ में है, स्टंट वगैरह पूरे मारने के मूड में है। तो सही है गाइस, अब जैसे आप देख ही रहोगे हम लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ, और अपने को ना सीधा आगे की तरफ चलना पड़ेगा, और वहां पर उनका हेलीकॉप्टर है। तो बस यार यहां पर से ना अपने को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मेरा प्लान है बस एक बार वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच जाएंगे, और बस यार फिर अपने को ना कोई भी नहीं रोक सकता प्रेसिडेंट से बात करने के लिए। चलो यार अपने को ना स्टेयर्स को फॉलो करते करते चलना पड़ेगा वापस उसी लोकेशन पर जहां से हमने शुरुआत करी थी। और अभी ना मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं टॉम और फ्रैंकलिन को जाके कह सकूं कि तुम लोग यहां पर वेट करो और जब मैं तुम्हें बोलूंगा उससे मैं आना। तो चलो यार जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ना गाड़ियां वगैरह इनकी स्टार्ट हो रही है, और ये ट्रक वगैरह भी आए हुए हैं, देख रहे हो कितने ज्यादा ट्रक आए हैं गाइस यार। ये तो मुझे लग रहा ना पता नहीं क्या सीन कर रहे हैं, अब तो जा भी चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको कह रहा था ना सारे बंदे यहां से ना कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बस जब भी प्रेसिडेंट निकलेगा उस समय हम लोग उसके नचम करके हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाएंगे। और यहां पर ना गाइस प्रेसिडेंट भी आ रहा है सामने की तरफ, उसकी सिक्योरिटी भी उसको कवर करते हुए आ रही है। तो मन तो कर रहा ना अभी ठोक दूं मैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मुझे पता आप में से भी कई लोग कहोगे कि इसको ठोक दो, पर नहीं गाइस यार इसको अभी नहीं ठोक सकते क्योंकि यही अपने को अपनी फैमिली तक पहुंचा सकता है, और बाकी अपने को ट्रेवर की भी लोकेशन का नहीं पता, और यही उसकी लोकेशन अपने को बता सकता है जहां तक ना मुझे लग रहा है कि इसको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि अपने को नहीं पता उसको कुछ तो पता ही होगा, तो उसी को ना हम लोग टॉर्चर कर पूछेंगे। और जब मेरे हाथ में आ ना पहले तो मैं इसका रख के थप्पड़ मारूंगा, और बाद में बोलूंगा कि बेटा जल्दी से बता दे अपने को। तो चलो यार जैसे आप देख रहे हो ना ये प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर के बीच में बैठ चुका है, और इसकी सिक्योरिटी भी इसके साथ बैठ चुकी है, बस अपने को ना सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। और इनका हेलीकॉप्टर इस समय हो चुका है स्टार्ट। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो अब अपने को करना पड़ेगा जंप। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना माइकल ना हेलीकॉप्टर के साथ पूरा चिपक चुका है, जैसे किसी को इसने गले लगा लिया है। और अगर हाँ भाई अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो सीधा हम लोग नीचे की तरफ गिरेंगे। और ये हेलीकॉप्टर भाई मुझे ना पूरा डर लग रहा है यार, क्या सीन हो गया ना यहाँ पर। ये जो मेरा प्लान है भाई ये तुम्हारे भाई का प्लान है यार, एक बार ओपी प्लान लिख देना कमेंट्स में। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को आगे की तरफ चलना चाहिए, और यहाँ पर भाई डर पूरा लग रहा है, अगर मैं हल्का सा भी खड़ा होऊंगा ना तो उसी समय माइकल की मुंडी कटेगी, और फिर यार बहुत ज्यादा बेकार सीन हो जाएगा, और फ्रैंक और टॉम तो वहीं पर खड़े रह जाएंगे। और जब मैंने जंप मारी थी शायद से ना जो इसके विंग्स हैं उसके बीच में से मैं आ गया, जिस करके सही टाइमिंग पे मैंने जंप मार दी, नहीं तो यार पक्का ना बॉडी पर एक आधा विंग बजा होता ना तो फिर पूरी बॉडी खत्म हो जानी थी। तो चलो यार बस अपने को ना अभी ऐसे चिपके रहना है इसको जब तक हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को ना लैंड नहीं करवा लेते। और एक बार मैं FPP मोड में आपको दिखा देता हूँ कितना ही ज़्यादा हेलीकॉप्टर हिल रहा है, रियल जिंदगी में भी इतना ही हिलता है यार मुझे पता है। तो गाइस यार देख रहे हो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। तो चलो यार बस चिपके रहना अपने को, देखते हैं क्या सीन होगा। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना मुझे यहाँ से जंप मारनी पड़ेगी, क्योंकि ना अगर ये लोग उधर जाके लैंड करा लेंगे ना तो अगर किसी मिलिट्री वाले ने अपने को देख लिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े वाली से भी बड़े वाली गड़बड़ यहाँ पर हो जाएगी। तो चलो यार ये जगह अपने लिए पूरी परफेक्ट रहेगी, और इनका जो हेलीकॉप्टर है वो भी लैंड होने जा रहा है। तो चलो यार एक सेकेंड, ये क्या सीन हो रहा है यार, उसको क्या हो रहा है भाई, वही तो चिल्ला रहा है यहाँ पर। नहीं 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 ये लैंड हो रहा शायद से ना, ये जो इनका न्यू हेलीकॉप्टर है ना मुझे लग रहा है ये ऐसे ही लैंड होता होगा। तो चलो यार ये इस समय हो चुका है लैंड, अरे भाई इसकी लैंडिंग ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी यार। तो चलो यार अब जल्दी से अपने को ना यहीं से इनको देखना पड़ेगा, मिलिट्री के लिए मतलब प्रेसिडेंट के लिए कोई गाड़ी आ रही है इस समय, उस शायद से उसको ये लोग पिकअप करने आ रहे हैं। तो देखते हैं यार क्या ही सीन हो रहा है यहाँ पर। तो चलो यार यहाँ पर गाड़ी भी आ चुकी है, एक सामने की तरफ से थी पर ये वाली गाड़ी आ चुकी है, और जो प्रेसिडेंट है बेचारा गाड़ी के पीछे पीछे भागता जा रहा देख रहे हो। तो चलो यार बस अब जल्दी से ना अपने को सही टाइम का इंतजार कर इसके ना एक हेडशॉट बजा देना, मतलब गोली से नहीं बजाना थप्पड़ से बजाएंगे, इसको टॉर्चर करेंगे। और ये कहां पर जा रहा है यार, देख रहे हो ये शायद से ना कहीं पर भाग रहा है इसको लेकर, अब ये मिलिट्री बेस में रहेगा मुझे पक्का पता है, क्योंकि अगर इधर से इसने कहीं और जाना होता तो ये कब का जा चुका होता, पर ये ना शायद से किसी वेयर हाउस में जा रहा है। तो चलो यार अब जल्दी से, हाँ भाई यार ये वेयर हाउस में जा रहा है, तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार प्रेसिडेंट को कितना ज़्यादा घुमा फिरा कर लेके जा रहे हैं। तो चलो यार ऊपर से मैं फिसल चुका था,
मैं क्या ही सीन करता यार, क्योंकि ना एक ही बार में इतनी ज़्यादा मिलिट्री आ गई थी और ये जा रही है गाड़ी, प्रेसिडेंट इसी में है तो पता नहीं क्यों राउंड काट रहे हैं आंखें। तो चलो यार अपने को ना जल्दी से अब नीचे की तरफ चलना चाहिए। और बस यार जब अपने हाथ में प्रेसिडेंट आ गया ना, तो गाइस यार कसम से कह रहा हूँ रख के उसके मैं जो बचाने वाला हूँ, और उससे पहले तो मैं पूछूंगा ना अपने को मिलिट्री के कर्नल के बारे में बता कि तू कैसे प्रेसिडेंट बन गया। वैसे तुझे हमने बनाया था तब बनाया कि मिनी मद्रासों ने बनाया, और जो अपनी फैमिली है वो कहाँ पर है और ट्रेवर कहाँ पर है। तो वैसे जो गाड़ी की आवाज़ तो मुझे इस वेयर हाउस की तरफ से आई है, तो हाँ गाइस यार आपको भी आई होगी जैसे कोई गाड़ी को ठोक रहा है। तो जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए सीधा आगे की तरफ, और अपने को ना इस समय पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो चलो यार जैसे कि आप देख रहे ना मिलिट्री के कर्नल की वो रही गाड़ी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता मैं उसको मिलिट्री कर्नल बोलूं कि प्रेसिडेंट बोलूं, वैसे दोनों ही बोल सकते हैं। तो चलो यार अपने को ना अब सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। और जो उसके बंदे हैं ना, तो वो ना अभी शायद से ना क्या सीन कर रहे हैं इसको, ये पहली बात तो यहाँ पर क्या करना है पूरा मिलिट्री बेस छोड़कर। तो चलो यार ये जो बंदे इसके जा चुके हैं, और जो प्रेसिडेंट है ना वो अकेला वेयर हाउस के अंदर शायद से किसी का इंतजार कर रहा है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा तो पक्का यार इनको शक हो जाएगा। तो देख रो ये लोग राउंड काट रहे हैं यहाँ पर, तो बस अपने को ना विंडो से जाकर जंप करनी पड़ेगी। तो वो मेरे सामने विंडो यहाँ से नहीं यार, राइट साइड में जो विंडो वो दिख तो रही है। बस चल के ना पहले अपने को स्टेयर्स वगैरह ढूंढनी पड़ेंगी और फिर हम लोग वहाँ से कर लेंगे जंप। तो चलो यार स्टेयर्स भी अपने को मिल चुकी हैं, तो चलते हैं सीधा आगे की तरफ। और यहाँ पर भाई जल्दी ढूंढ ले यार, अभी तो अपने को यहीं कहीं दिखी थी स्टेयर्स। ऐसे आप यहाँ पर देख रहे होगे तो किस्मत, ओ भाई मिल गई यहाँ पर स्टेयर। तो जल्दी जरा इसके ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि ना पहले मुझे दिख गई थी ये बहुत ही आसानी से, वो जब टाइम आता ना वो चीज़ मिलती ही नहीं है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो चलो यार आपके साथ भी होता होगा रियल लाइफ में, अगर आपको कोई चीज़ मिली है बाद में उसके बारे में आप सोचते रहो तो वो आपको याद ही नहीं आती होगी। तो अपने को ना बस ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए। और यार यहाँ पर कोई विंडो तो थी जो ओपन लग रही थी मुझे वहाँ से, तो हाँ गाइस यार अब जल्दी से यहाँ से करते हैं जंप। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना माइकल आ चुका है सीधा अंदर की तरफ, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सामने की तरफ खड़े होकर किसी का इंतजार इस समय कर रहा है। तो यार मुझे पता है किसका इंतजार कर रहा है, मेरे लात और मुक्कों का इंतजार कर रहा है। जब मैं इसके कस कस के लात और मुक्के बजाऊंगा तो इसके मुंह से निकलेगा खून, जब मुंह से निकलेगा खून तो आपको भी मजा आएगा मुझे भी मजा आएगा। तो गाइस यार बहुत ही ज्यादा बुरे वाला दर्द होगा, तो हम लोग पूछेंगे कि जल्दी से बेटा बता दे कि मिनी मद्रासों हमारी फैमिली कहाँ पर है। तो इसको शायद से कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो चलो यार इस समय ना हम लोग इसके जंप वर्क रख के ना इसको थप्पड़ वगैरह जड़ देंगे। तो चलो यार अब जल्दी से ना इसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग जंप। तो निक ओ भाई इसको जल्दी धक्का मारते हैं पहले, अब इसके रख के भजा देते हैं। तो चलो यार जैसे अब तीख ही रोगे, तुम्हारे भाई के लिए ये काम तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो बेटा मजा आया कि बेहोशी हो गया, तो जल्दी से ना इसको हम लोग पीछे की तरफ खींच कर लेके चलते हैं। तो देख रो इसकी जो हालत है वो इस समय पतली हो चुकी है पूरी, और देख रो इसको बहुत ही ज़्यादा जोर से मुक्का लग चुका है। तो चलो गाइस अब बस यहाँ पर इसको रख देते हैं और इसे पूछते हैं, तो जल्दी से बेटा बता दें कि मिनी मद्रासों कहाँ पर है पहले तो ये बता दें, और जो अपनी फैमिली है फिर वो बता दें। देख रहे हो गाइस यार ये इस समय कह रहा है कि जो मिनी मद्रासो है ना मैं माइकल, यार तू माइकल कैसे है पहले ये बता, कि तू तो मर चुका था और तू जिंदा कैसे है। तो हम कह रहे हैं कि वो बात की बात है तुझे मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये कह रहा है मैंने तेरा कभी भी बुरा नहीं सोचा, और जब तेरे बारे में मुझे पता चला कि तू मर चुका तो मुझे भी अंदर से बहुत ज़्यादा बेकार फीलिंग आई थी। और ये इस समय कह रहा है ना मैं जल्दी से तुझे डॉक्टर वैगनस के पास लेकर चलता हूँ, पहले तो बात मैं तुझे क्लियर कर दूँ, जो मिनी मद्रासो है वो लॉस सैंटोस में नहीं रह रहा, और जो ज़ॉम्बीज हैं उसी ने फैला रखे हैं पूरे लॉस सैंटोस में, क्योंकि वो अगर ज़ॉम्बीज यहां पर फैलाएगा तो उससे सब लोग डरेंगे और वो पूरे लॉस सैंटोस पर राज जमा सके, और जो तेरी फैमिली है वो भी मिनी मद्रासों के अंडर है। और बस यार अब और मुझे नहीं पता, और मैं प्रेसिडेंट हूं, लॉस सैंटोस का रक्षा करना मेरे हाथ में है, जिस करके मैं उसकी दवाई वगैरह एंटीडोट बना रहा था ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए, बस इतनी सी बात है। तो यार अपने को इसने बता दिया है, और हम इसको कह रहे हैं कि जहां तेरा डॉक्टर मैग्नस है वो कहां पर है, और ये कह रहा है उसकी चिंता मत कर उसको ना हमने सबसे ऊपर रखा है टावर में, क्योंकि वही जो साइंटिस्ट है वो तो सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और उसको सब नॉलेज है, तो उससे हम लोग मिलवा देते हैं तुझे। चलो यार अब जल्दी से अपने को इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। वैसे मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें सच बोल रहा है, वैसे बोल भी सकता है यार क्योंकि माइकल के इसके ऊपर इतने ज्यादा एहसान है। तो चलो यार जो सामने की तरफ आप टावर देख रहे हो ना उसके ऊपर इन्होंने रख रखे हैं, मतलब ये तो इनका ऑफिस ही है, तो उसके ऊपर ही डॉक्टर मैग्नस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट डॉक्टर मैग्नस है, आपको पता होगा, क्योंकि उसने भी लास्ट टाइम ऐसी गन बनाई थी जो ज़ॉम्बीज को खत्म कर रही थी, और उसी ने एक मेडिसिन बनाई थी, तो उसी के रिलेटेड अब इन्होंने न्यू मेडिसिन बनाई है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ये कह रहा है या मिलिट्री कर्नल ये कह रहा है कि वो जो मेडिसिन है ना वो तो काम ही नहीं करी जो हमने ह्यूमन लैब के अंदर ज़ॉम्बीज रखा है। तो हमने बोला हाँ हमें पता चल गया, तो ये कह रहा है कि तुझे कैसे पता चला, तो हमने बोला बेटा बाप हूं मैं तेरा और मुझे पहले पता चल चुका कि जो भी तुम लोग सीन अंदर की तरफ कर रहे थे।
तो चलो यार, जैसे ही आप देख रहे होगे ना, हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर ना अपने को जल्दी से डॉक्टर पैगलो से सारी बात यहाँ पर करनी पड़ेगी कि ट्रेवर बताओ भाई, पहले ट्रेवर कहाँ, पहले तो उसके बारे में पता करूँ, और फिर जब अपने को ट्रेवर मिल जाएगा सारी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो अपना वन मैन आर्मी है, तो यार वो अपने को और भी ज़्यादा दिमाग देगा। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जो है लाइक कर देना, लाइक है पूरे 15,000 लाइक का, चैनल पर चाहो गाइस यार जरूर से सब्सक्राइब कर दो, 1,40,000 की फैमिली के बहुत ही क्लोज हैं, तो जल्दी से ना कंप्लीट करा देना। और जो अपना सेकंड चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर भी 5,000 की इंसेन फैमिली के बहुत ही क्लोज है, तो उस पर भी चेक करना, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस, मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।